हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस टूर एंड डाइव इंजीनियरिंग। आई होप आपको हमारा लास्ट वीडियो पसंद आया हो। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कौन कौन से स्टेप हम स्ट्रिप लोड बनाने के लिए यूज़ करेंगे फिर वो पता नहीं लगेगा और आप समझ नहीं पाओगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिप लेआउट कैसे बनाई जाती है और बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जैसे कि हमारे पास ये कंपोनेंट रैंक आई है, हमने इसका एक स्ट्रिप लेआउट बनाना है। तो आज हम स्ट्रिप लेआउट बनाने वाले हैं। तो चलिए हम किन किन एंगल से वो स्ट्रिप लेआउट बनाएंगे आज आप इस वीडियो में देखेंगे और आप समझेंगे कि स्ट्रिप लेआउट कैसे बनता है और बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे निकलती है। सबसे पहले हम ब्लैंक को कॉपी कर लेंगे और सभी लाइनों को एक साथ जोड़ लेंगे। स्ट्रिप लेआउट बहुत तरह के बनते हैं, आज हम देखेंगे कि अच्छे से ऐसा स्ट्रिप लेआउट कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले मैंने ब्लैंक को कॉपी कर लिया है और ब्लैंक को मैं आगे की तरफ रख रहा हूं। शीट थिकनेस इसकी 3 mm है, तो जो बीच का गैप होगा जिसे हम ब्रिज गैप बोलते हैं वो 4 mm आएगा। फिर हम एक एक करके सभी को कॉपी कर लेंगे और जो साइड मार्जिन होगा वो भी हम 4 mm ले रहे हैं। साइड मार्जिन और ब्रिज गैप ये शीट थिकनेस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये एक जैसा नहीं रहेगा कि मैंने 4 mm रखा तो आप भी 4 mm रखेंगे। ये शीट थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शीट थिकनेस कैसी है, कितने एमएम की है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिप लेआउट बना लिया, इसे मैं नाम देता हूँ स्ट्रिप लेआउट 1। मैंने अभी एक स्ट्रिप लेआउट बना लिया है, अब मैं एक और मेथड यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट यूटिलाइजेशन निकालनी है। पहले वाली स्ट्रिप लेआउट को मैं नीचे लेके आ गया हूँ, अब देखिए मैं एक और मेथड यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ये लाइनें डिलीट कर दी, अब वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने ये कैसे किया और आप समझ नहीं पाओगे स्ट्रिप लेआउट कैसे बनती है। ये जो बीच का गैप है वो मैंने 4 mm रखा है, ये आप देख सकते हैं यहां भी 4 mm का है। साइड मार्जिन जो पहले मैंने बोला था 4 mm ही हम रखेंगे।
फिर मैं यहाँ का गैप चेक करूँगा 109, इसको कॉपी करूँगा और 4 एम मेरे को जो ब्रिज गैप वो भी ऐड करूँगा, तो मैं इसको कॉपी करके 113 पे हमने इसको कॉपी कर लिया। और जो बीच का गैप ये भी है, अभी हम 4 एम रख रहे हैं जो ब्रिज गैप कहते हैं हम इसको, और साइड मार्जिन, इसे हम साइड मार्जिन कहते हैं। मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रिज गैप और साइड मार्जिन ये भी स्ट्रिप लेआउट का एक हिस्सा है। अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा तो आप शीट साइज को भी रख सकते हो। ये 3 एम की थिकनेस ही, तो हम 4 एम रख रहे हैं। जैसे कि फिर मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी किया, अब मेरा ये स्ट्रिप लेआउट 2 बन गया। ये स्ट्रिप लेआउट 1 था, अब ये स्ट्रिप लेआउट 2 बन गया। मैंने अभी दो तरीकों से इसको स्ट्रिप लेआउट बनाने की कोशिश की है, अभी हम और भी करेंगे। स्ट्रिप लेआउट है, आप कोई भी मेथड से बना सकते हो, आपके ये माइंड ही देखता है हमने कैसे बनाना है। आप जैसे मर्जी इसको रख के देख सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी करके आप देख सकते हो इसको। ये नहीं कि मैंने इसको सीधा रख दिया तो आप सीधा ही रखोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं 4 एम इसको भी ले रहा हूँ, आप देखिए मैं बना कैसे रहा हूँ अलग अलग तरीकों से। अब मैं इसको लाइन करूंगा, ये मैंने इसको लाइन कर दिया। यहां से भी मैं 4 एम ले रहा हूं और नीचे से भी मैं 4 एम ले रहा हूं, यहां से भी 4 एम ले रहा हूं। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप कॉपी करें कोई पॉइंट नहीं उठाना है, आपने एक सेंटर पॉइंट ही उठाना है। जो भी सर्कल का होगा वो सेंटर पॉइंट उठाओगे आप। आपने यहाँ से क्लिक नहीं करना है, यहाँ से क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो कहीं और ही पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये स्ट्रिप लेआउट 3 बना दिया। अभी मैंने ये 3 तरीकों से इसको स्ट्रिप लेआउट को देख लिया, एक एक करके 1 2 3। अभी भी मैं और भी ट्राई करूंगा कि मेरी सबसे अच्छी यूटिलाइजेशन किस में निकलेगी। मैं ब्लैंक को फिर से कॉपी कर रहा हूँ, अभी मैं एक मेथड और यूज करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं मैंने एक और मेथड यूज कर लिया, एक और मेथड से मैंने ये स्ट्रिप लेआउट बनाई है।
ये हमने बना दिया स्ट्रिप लेआउट 4। जैसे कि हमने पहले स्ट्रिप लेआउट 1 में बनाया था, हमने सीधा सीधा ब्लैंक रखा था स्ट्रिप लेआउट 1 में, और मैंने एक और मेथड यूज़ किया स्ट्रिप लेआउट 2 में, मैंने इसको क्रॉस डायरेक्शन में रख दिया, और स्ट्रिप लेआउट 3 में मैंने थोड़ा इसको एंगल में रख के स्ट्रिप लेआउट 3 बना दिया, और स्ट्रिप लेआउट 4 में मैंने इसको 45 डिग्री पर रोटेट करके एक स्ट्रिप लेआउट 4 बना दिया। स्ट्रिप लेआउट बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो ब्रिज गैप है ये शीट थिकनेस के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है, और जो साइड मार्जिन है ये भी शीट थिकनेस के अकॉर्डिंग रखा जाता है। दोस्तों, हम इसकी यूटिलाइजेशन निकालने जा रहे हैं। यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं? यूटिलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है कंपोनेंट एरिया अपॉन शीट एरिया इंटू 100, और आपका आंसर आ जाएगा। कंपोनेंट एरिया कंपोनेंट एरिया इसका पैरामीटर है, हम एल आई एंटर करेंगे, लिस्ट आ जाएगी इसकी, और जो इसका एरिया है वो 3214 है। कंपोनेंट एरिया 3214 और हमारा शीट एरिया, हमारा होता है शीट विड्थ इनटू पिच। शीट विड्थ हमारी है 88 और पिच हमारी है 84। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एटी एट इंटू 84, 7392। अब हम इसको आपस में इसको डिवाइड कर देंगे 3214। आपने जो लोअर अमाउंट है, जो कंपोनेंट एरिया आपने ऊपर रखना है, ये आप याद रख लें, कंपोनेंट एरिया आप हमेशा ऊपर रखेंगे और जो शीट एरिया है वो नीचे रखोगे। कंपोनेंट एरिया हमने 3214 निकाल लिया और डिवाइड कर दिया इसको शीट के एरिया के साथ, और मल्टीप्लाई कर दिया 100। हमारी जो यूटिलाइजेशन आई है स्ट्रिप वन की वो आई है 43.47। ऐसे ही हम स्ट्रिप टू की निकालेंगे। स्ट्रिप टू की विड्थ जो है वो भी 88 है, और जो इसकी पिच है 113 है। शीट का एरिया तो वही रहेगा 3214, बट इसमें डबल पीस हो गया है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। और जो हमारा शीट विड्थ थी वो 88 है, और जो हमारी पिच है वो 113 है। डबल 9 1 डबल 4। अब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे। जो इसकी यूटिलाइजेशन है स्ट्रिप टू की वो 64.64 आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो इसकी यूटिलाइजेशन आई है वो 64.64 आई है। ऐसे ही आपने एक एक करके स्टेप 3 की और स्टेप 4 की भी निकाल लेनी है। स्टेप 3 की जो विड्थ है वो 84.78 है, और जो इसकी पिच है वो 118.55 है।
इसमें भी डबल पीस है, एक ये है एक ये है, तो हम इसको डबल में ही काउंट करेंगे। और जो इसकी स्ट्रिप शीट विड्थ थी वो है 84.78 मल्टीप्लाई 118.56। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो इसका आंसर आया है 10,051। अब हम इसको आपस में डिवाइड कर देंगे, 63.100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 63.95। स्ट्रिप थ्री की यूट्रेशन आई है 63.95। अब हम स्ट्रिप फोर की निकालने जा रहे हैं, इसमें एक ही पीस चल रहा है सिंगल डायरेक्शन में, तो हम इसमें जो शीट एरिया है वो एक ही लेंगे। और जो हमारी स्ट्रिप फोर की विड्थ आ रही है वो 110.78 है, 78 है, और जो हमारी पिच है वो 40.97 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे 110.78 मल्टीप्लाई 40.97। इसका जो शीट एरिया आ रहा है वो 45.3538 आ रहा है, 4538। अब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे, मेरी जो यूटिलाइजेशन निकली है 70.82 निकली है, जो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है। स्ट्रिप वन की यूटिलाइजेशन निकली है 43.47, स्ट्रिप टू की निकली है 64.64, स्ट्रिप थ्री की निकली है 63.95, स्ट्रिप फोर की निकली है 70.82। जो ये वैल्यू दिखा रहा है 43.47, ये कह रहा है कि आप इतनी शीट इसकी यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, और जो बाकी एरिया है वो हमारा सारा स्क्रैप है, वो स्क्रैप है हमारा। ऐसे हम अलग अलग तरीकों से इसकी स्ट्रिप लेआउट बना के देख सकते हैं कौन सी बेस्ट स्ट्रिप लेआउट है। स्ट्रिप लेआउट बनाने के बाद आपने यूटिलाइजेशन निकालनी है, और एक आपने ये भी देखना है कि स्ट्रिप लेआउट बनाओ आप, बट ये भी देखना है कि जो कंपोनेंट आपने डायरेक्शन देनी है, जो कंपोनेंट चलाना है डाई के अंदर, वो भी पॉसिबल होना चाहिए। ये ना हो कि शीट को इधर उधर डाल दिया, कंप्यूटर की पॉसिबिलिटी भी देखनी है। जो अभी हमने ये देख लिया कि कौन सी बेस्ट स्ट्रिप विजुअलाइजेशन निकली है, जो कि हमारी स्टेप फोर में आई है, मैंने ऐसे चार मेथड बनाए हैं, आप भी बना सकते हो, आप भी ट्राई करना। ये हमारी कंपोनेंट ड्राइंग है, आप कंपोनेंट ड्राइंग देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, और आप इसको ड्रॉ करके कौन सी बेस्ट यूटिलाइजेशन निकलती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम इसी का ही ब्लैंक रूल बनाएंगे स्टेप फोर के साथ। ब्लैंक रूल कैसे बनता है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये स्टूडेंट्स, बिगिनर्स और फ्रेशर के लिए हैं, जिनको ये नहीं पता कि डाई कैसे बनानी है, या जिनको ये पता है डाई कैसे बनानी है बट प्रोसेस क्या है वो हम बता रहे हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।